हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने वाले हैं कि पुलिस कैसे आपके मोबाइल फ़ोन को ट्रेस कर सकती है, ट्रैक कर सकती है, कैसे वो पता लगा सकती है कि आप कहां पर हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये चीज़ कब ज़रूरत में आती है, इसकी ज़रूरत कब होती है हमें। देखिए, अगर मान लीजिए कोई क्रिमिनल है या कोई किडनैपर, किसी ने किडनैप कर लिया किसी बच्चे को और कहाँ छुपाया हुआ है, तो ये कैसे पता चलेगा? उसके मोबाइल फ़ोन से पता चलेगा, क्योंकि किडनैपिंग में क्या होता है, फिरौती मांगते हैं, कॉल्स करते हैं, कोई टेररिस्ट है या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो पुलिस की हिरासत में आना चाहिए और पुलिस को ज़रूरत है कि उसको पकड़े वो और डाले हिरासत में। तो यही जो पूरा ट्रेसिंग और ट्रैकिंग का सिलसिला है, ये इसी में काम करता है। खैर, वजह कुछ भी हो सकती है, कोई भी क्राइम करके भागा हो, किसी की ज़रूरत हो, कोई फंस गया हो कहीं पे, तो ज़रूरत कुछ भी हो सकती है, लेकिन किसी के मोबाइल को ट्रेस करना, ट्रैक करना, ये अथॉरिटी सिर्फ पुलिस के पास होती है इंडिया में और वो कर सकती है। तो जो मोबाइल ऑपरेटर्स होते हैं वो भी पुलिस का साथ देते हैं। जैसे मान के चलिए, मैं आपको एक केस बताता हूँ, किसी व्यक्ति ने किसी को जान से मारने की धमकी दे दी फ़ोन पर, किसी क्रिमिनल ने, तो अब पुलिस को रिपोर्ट करेंगे लोग कि हमें ऐसे ऐसे धमकी दे दी है और हम आप इसको पकड़िए या हमें बचाइए, प्रोटेक्शन दीजिए, प्लस आप उसको हिरासत में लीजिए। तो पुलिस को कैसे पता चलेगा वो इंसान किधर है? तो वही मोबाइल फ़ोन से ट्रैक किया जाता है। अब कैसे ट्रैकिंग काम करती है, मैं आपको बताता हूँ कुछ डिटेल में। देखिए, आजकल जो पहला तरीका यूज़ किया जाता है वो GPS से किया जाता है, जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। अब मान के चलिए जो क्रिमिनल है या जिस इंसान को ट्रैक करना है, ट्रेस करना है, वो इंटरनेट यूज़ कर रहा है और अगर उसके मोबाइल फ़ोन में GPS ऑन है तो उसको पकड़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। उसकी एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पता की जा सकती है और पुलिस ऐसा कर सकती है विदाउट किसी मोबाइल ऑपरेटर्स के पास जाए हुए, मतलब किसी नेटवर्क कंपनी के पास बिना जाए हुए वो ट्रेस आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि हर क्रिमिनल GPS ही यूज़ करे या इंटरनेट यूज़ करे ही करे, तो उसको कैसे ट्रेस करेगी, उसको ट्रैक कैसे करेगी पुलिस? देखिए, अगर आप 2006 और 5 की बात करें, जब ब्लैक एंड वाइट फ़ोन हुआ करते थे, नोकिया के 1110 हुआ करते थे, तो उसमें क्या होता था कि आपकी स्क्रीन पर, अगर आपको याद होगा, आपने वैसे मोबाइल फ़ोन यूज़ किए होंगे, तो आपकी स्क्रीन पर जो नियरेस्ट टावर होता है, आपकी जगह का जो नियरेस्ट टावर होता है, वहाँ की लोकेशन लिखी आती थी। जैसे मान लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप दिल्ली में है या हरियाणा की पानीपत जगह पर है, तो आपके फ़ोन में पानीपत लिखा आता था ब्लैक एंड वाइट फ़ोन्स में। वो कैसे लिखा आता था, कैसे लोकेशन पता चलती थी? देखिए, मोबाइल फ़ोन टावर्स पे काम करता है, राइट? आपके जो नेटवर्क आते हैं वो टावर्स से आते हैं, मोबाइल टावर्स से आते हैं। मोबाइल टावर्स जहाँ जहाँ लगे हुए होते हैं, वहाँ उसकी लोकेशन उन पर रजिस्टर्ड होती है। तो ये पता चलता रहता है कि आपका जो लोकेशन है वो क्या है, आपका नियरेस्ट टावर कौन सा है, और हर टावर मोबाइल कंपनी पे रजिस्टर्ड होता है, ठीक है? ये पता होता है कि टावर नंबर 211 कौन सी लोकेशन पर है, ठीक है, टावर नंबर 211 इस मार्केट में है, पता चल जाएगा। और इस मोबाइल फ़ोन के नेटवर्क कौन से टावर से आ रहे हैं, इससे आ रहे हैं, और ये टावर कहाँ पर है, उस मार्केट में है, तो उसकी एक लोकेशन पता चल जाती है। एक ट्रायंगुलर फार्मूला होता है जिससे पता लगा सकते हैं लोकेशन को और एग्जैक्टली। अब वो कैसे काम करता है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मान के चलिए आप बीच में हैं, बीच एक जगह के बीचों बीच है और वहाँ तीनों तरफ अलग अलग तीन टावर हैं, ठीक है? अब वो तीन टावर बहुत दूर भी हो सकते हैं, पास भी हो सकते हैं, लेकिन तीन टावर हो और बीच में आप हो, तो हर एक टावर से कोऑर्डिनेट किया जाता है, कोऑर्डिनेशन किया जाता है और ये पता लगाया जाता है कि आपका फ़ोन कौन से टावर से नेटवर्क ले रहा है। और एक बात ध्यान रखने वाली है कि कोई भी फ़ोन अपने नियरेस्ट टावर से ही नेटवर्क लेता है ताकि उसकी कॉल क्वालिटी अच्छी हो सके, अच्छे से बात हो सके, कॉल कटे नहीं, कॉल ड्रॉप ना हो। किसी एक टावर के पास होगा तो वहाँ पता लग जाएगा कि हाँ, इस टावर के पास, इस मार्केट में ये टावर है, इसके पास ये मोबाइल फ़ोन है। अब दूसरे टावर से कोऑर्डिनेशन किया जाएगा और देखा जाएगा कि उस टावर से ये कितना दूर है, तो ऐसे चल के एक पॉइंट बन जाएगा। वो जो पॉइंट का एरिया होगा वो बहुत ही सीमित होगा और इसका मतलब यही होगा कि उसी एरिया में आपका मोबाइल फ़ोन है और लोकेशन ट्रेस कर ली जाती है। उसके बाद उस जगह पर पुलिस को छोड़ा जाता है और उस इंसान को पकड़ा जाता है। ये ट्रैकिंग का सिलसिला ऐसे ही काम करता है, मोबाइल फ़ोन ट्रैकिंग का। तो सबसे आसान क्या होता है, अगर आपके फ़ोन में GPS ऑन है तो आपके मोबाइल को बहुत ईजीली ट्रेस किया जा सकता है, ट्रैक किया जा सकता है। गूगल मैप्स है, बहुत सारी GPS, क्योंकि GPS जो सर्विस है वो बहुत ईजीली एक्सेसिबल है, ठीक है? लेकिन ये जो सिस्टम है टावर्स से पकड़ने का, इसकी अथॉरिटी हर किसी को नहीं है। इवन GPS की भी अथॉरिटी हर किसी को नहीं है कि GPS से किसी की लोकेशन ट्रैक करके उसको पकड़ा जाए। पुलिस के पास इक्विपमेंट होते हैं, परमिशंस होती हैं, वो अथॉरिटी है। तो सबसे पहले GPS से किया जाता है, उसके बाद आपके मोबाइल नेटवर्क से किया जाता है। उसमें सिम कार्ड होना चाहिए, नेटवर्क ऑन होना चाहिए, नेटवर्क आ रहे होने चाहिए। आई होप आपके जो डाउट हैं ट्रैकिंग के ऊपर
आपके क्लियर हो गए होंगे कि कैसे पुलिस या कैसे अगर कोई इंसान कहीं फंस गया है, कहीं ट्रैकिंग पे गया है, कहीं पहाड़ों में फंस गया है, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, तो कैसे मोबाइल फ़ोन्स को ट्रैक किया जा सकता है और किया जाता है, इसके बारे में आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, नॉलेज को शेयर करें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।